हेलो गाइस दिस इज आरती चौधरी सभी को बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग राधे राधे राम राम कैसे हो आप सब बढ़िया फर्स्ट क्लास एक बार जरा कमेंट करके ये कंफर्म कीजिए बच्चा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके okay है ठीक है वो ठीक है ना तो बच्चा देखो आज का एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल थॉट और थोड़ क्या है बच्चा कि अगर आप बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है और यहाँ पर क्या लिखा है कि जब भी कभी मुसीबत आए ना तो हमेशा याद रखना की सितारे कभी दिन में नहीं दिखाई देते सितारे जो है वो हमेशा आपको अंधेरे में ही चमकते हैं यानी प्रॉब्लम यदि आपकी लाइफ में आई है यदि डाउन आपकी लाइफ में आया तो बच्चा याद रखना की कोई ना कोई बहुत बड़ा आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज एक पॉजिटिव चीज आपकी लाइफ में आने वाली है एक बार जोरदार तरीके से क्लास को आप सारे के सारे बच्चे लाइक जरूर करेंगे शेयर तो करें कर लोग लोग जहां हमने कल अपनी क्लास को खत्म किया था वहां से आगे हम लोग अपनी क्लास को आज बढ़ाते हैं और आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा पहला क्वेश्चन बेटा आज का क्या है आपका दाल किसका अच्छा स्रोत होती है यानी पल्स के अंदर इनमें से कौन सा न्यूट्रिय है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या फैट बहुत बढ़िया ब्रिलियंट भाई बड़े दिनों बाद आप लोग आज उमंग में जोश में दिखाई दिए और रेलवे वाले बच्चे आर गुड सोर्स ऑफ दाले किसका अच्छा स्रोत है विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या फैट का बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल बच्चा लाइक देखो अपने आप ही कर देंगे जब आपको क्लास अच्छी लगेगी आपको लगेगा कुछ रिलेटिव कंटेंट है कोई मेहनत की चीज जब आप लोगों को लगेगी और ये लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत इस चीज से कम हो रही है तो लाइक तो तुम लोग खुद ही कर दोगे मुझे बोलना नहीं पड़ेगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जब मैं बोलूंगी इजी क्वेश्चन है तो सारे बच्चे आंसर जरूर करेंगे देखो ये मेरी क्लास का रूल है कि भैया सारे बच्चे आंसर जरूर करेंगे देखो दालें किसका अच्छा स्रोत है प्रोटीन का लेकिन सुनो मेरी बात ज्यादा आपको प्रोटीन नहीं खाना है मतलब दाल ज्यादा आप लोग नहीं खा सकते हैं ऐसा नहीं है कि सुबह में भी दाल खाई

क्योंकि किडनी का काम क्या होता है ब्लड को फिल्टर करने का मैंने बोला ब्लड को फिल्टर करने का यानी कि छानने का काम होता है अब छानने का काम मतलब जैसे आप लोग आपने अपने घर में जब चाय पीते होंगे तो उसमें से पत्ती को छानते होंगे ना अलग अदरक पत्ती अलग छानते होंगे ना सेम काम होता है हमारे शरीर में किडनी का किडनी जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं जैसे यूरिक एसिड हो गया आपका अमोनिया होगा, इन इन सबको फिल्टर करती है छानने का काम करती है क्लियर बच्चा वहीं पर यदि मैं पूछूं कि ब्लड को प्योरिफाई कौन करता है फटाफट फड़ बताइए ब्लड को प्योरिफिकेशन का काम क्या होता है फिल्टरेशन एंड प्योरिफिकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं हाँ जी बेटा किसने कहा सपोर्ट नहीं करना होता है शायद मैंने कल ही ये वीडियो बनाई थी जब मैंने कल वो वीडियो बनाई ना तुम लोगों ने शेयर किया ना तुम लोगों ने उस वीडियो को देखा मैंने कल ही वीडियो लगाई आपकी बनाई थी कि ट्विटर पर आपको ट्रेंड कराना है, है वीडियो आप लोग पहले जाकर देखो ठीक है ना तब आप लोग कुछ भी कमेंट करना तब आप लोग कुछ भी कमेंट करना ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी मत लिखा करो आपके लिए टीचर्स यदि सपोर्ट में खड़े हैं लेकिन मैंने साफ साफ वीडियो में बोला है यदि आपने कोई भी वॉलिटिक स्टेप लिया कोई भी हिंसा की तो हम लोग बिल्कुल आपके साथ नहीं रहेंगे मैं एडवांस में बोल रही हूँ ये बात क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आपके साथ खड़े थे किसी भी टीचर ने आपको एक बार भी नहीं कहा था कि आप लोगों को कोई हिंसा का रास्ता अपनाना है साफ साफ बोला गया था घर में रहो सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करो सिर्फ आप लोग ट्विटर से ट्रेंड कराओ चीजों को लेकिन आप लोग तो सड़कों पर उतर गए थे और फिर नुकसान किसका हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क पड़ा यही बात हम आपको समझा रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन को फर्क नहीं पड़ेगा नुकसान सिर्फ आपके स्टूडेंट का ही होगा मुझे अच्छी तरह से याद है जब पिछले साल आपका वो केस हुआ था 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 एक था, एक बच्चा स्टूडेंट मेरा सीजीएल का का उसका मेंस एग्जाम था और वो नहीं जा पाया था मेंस का एग्जाम देने क्योंकि सारे रास्ते तो बंद कर रखे थे तो किसका नुकसान हो रहा था बच्चों का ही हो रखा था ना बिल्कुल बच्चा तो किसका बेटा ये आपका प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं तो भैया फालतू के कमेंट ना करो पढ़ना है पढ़ो क्लास में अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंथेड इन प्लांट इज यानी प्लांट में इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लांट्स में इनमें से कौन सा है है जो सबसे ज्यादा पाया जाता बताइए जी कल मैंने आपकी बेटा दोपहर ही वीडियो कर दी थी दोपहर ही वीडियो कर दी थी और भाई मैं हमेशा जो भी आपकी मीटिंग्स वगैरह होती है उन सब में हमेशा अवेलेबल रहती हूँ कुछ भी रेलवे वाले बच्चों के लिए होता है अब से नहीं भाई रेलवे वाले बच्चे बहुत सालों से कनेक्टेड है हमसे बिल्कुल फटाफट बताइए जी इनमें से कौन सा बेटा कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं बेटा सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका सेलुलोज सबसे ज्यादा आपका सेलुलोज पाया जाता है बिल्कुल जिसका एक ए आंसर है उसका बिल्कुल सही है गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन बताइए गार्ड सेल इनमें से किस पाई जाती हैं गार्ड सेल इनमें से किस पाई जाती है स्टेम स्टोम लीफ या बार्क में हमने ट्वीट किया है बेटा बहुत कम बच्चों ने ट्वीट किया है यार तुम लोग ना चिल्लाते तो बहुत हो मैम ये करो मैम वो करो मैम कैलेंडर की डिमांड करो कल की वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि भैया कैलेंडर की डिमांड की गई है तुम्हारे लिए ठीक है ना तुम्हारे लिए नई वैकेंसी जल्दी आनी चाहिए एग्जाम प्रोसीजर पूरा कम्पलीट जल्दी होनी चाहिए पांच पॉइंट मैंने उसमें लिखे थे तुमने एक ने भी जाकर किसी ने नहीं लिखा ट्विटर पर फिर तुम लोग क्या चाहते हो कि मतलब बस रोड पर निकल निकल पड़े उससे छाल में नहीं पाए जाते बेटा ये आपके पत्तियों में पाए जाते हैं किसमें पत्तियों में पाए जाते हैं करक्यूमिन इज ऑपटेड फ्रॉम करक्यूमिन इनमें से किससे प्राप्त होता है बताइए करक्यूमिन इनमें इन से किससे प्राप्त होता है बहुत बढ़िया भाई और आप लोग तैयारी में लगे रहना मैं आपको बार बार बता रही हूँ बेटा मार्च होगा आपका मार्च तक आपको अपनी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी ये आप लोग बिलीव रखो ये आप लोग बिलीव रखो ग्रुप डी की आपकी बेटा एग्जाम डेट तो मतलब रिजल्ट डेट भी अनाउंस कर दी गई है कल जो आपका जो कंपेन हुआ है ट्विटर पर उसका फर्क पड़ा है ऐसी बात नहीं है ग्रुप डी की रिजल्ट की डेट बता दी गई है बहुत जल्द मैं उस पर भी आपका सेशन लगाने वाली हूँ तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है ठीक है जी

पौधों के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्ती उसकी शार फल सभी अंग प्रभावित होते हैं यानी कि जो उसकी आपकी ब्रांच होती है यानी शाखाएं शाखा लिखेंगे बताइए पत्तियों आपके पौधों के उस रोग का नाम क्या है पौधों के उस रोग का नाम क्या है जिसमें उसकी ब्रांचेस फ्रूट और लीव्स तीनों पर ही अफेक्ट पड़ता है बहुत बढ़िया भाई जिस पर तीनों पर ही फर्क पड़ता है उसकी पत्तियों पर भी उसकी शाखाओं पर भी और उसके फ्रूट यानी फलों पर भी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिट्रस इन एप्पल इज ड्यू टू ही क्यों होता है, है? बताइए जी मैम टुडे इज माय फर्स्ट क्लास टू योर लेक्चर थैंक यू बच्चा यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मैम एसएससी की वेबसाइट फिर से ओपन

क्या प्रेजेंट होता है उसमें आपका ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं एसएलवालो फंजाई इज मेड फ्रॉम कवक की कोशिका भित्ति इनमें से किससे बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति इनमें से किससे बनी होती है बताइए लिपिड सेलुलोज प्रोटीन या काइटिन बहुत बढ़िया <coughs> मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक यू विवेक सुमन स्पीड बढ़ाओ बच्चा यार मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा क्लास में स्पीड बढ़ाऊं और आप लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ट्रेंड करूं मैं आप लोगों को कि भाई इस तरह से अपनी अपनी आप लोग स्पीड बढ़ाइए है ना बहुत बढ़िया सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड फ्रॉम इज वॉट बिल्कुल किसकी बनी होती है आपकी इंसेक्ट की और फंजाई की इंसेक्ट और फंजाई की आपकी जो वॉल यानी है आपकी भित्तीस की आपकी बनी होती है, आपकी? की बनी होती है. जितने भी वैकेंसीज आएंगी बेटा सबके लिए यही क्लास है क्योंकि सिलेबस आपका सब में कॉमन रहता है सीबीटी वन तक ठीक है सीबीटी टू की बाद, बाद में करेंगे भी रेड चिलीज आर बिकॉज़ दिज कंटेन लाल मिर्च तीखी क्यों होती है ठीक है जी लाल मिर्च तीखी क्यों होती है बताइए लाल मिर्च तीखी क्यों होती है बहुत बढ़िया भाई लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें पाया जाता है आपका कैप्सियासिन कैप्सियासिन प्रेजेंट होने के कारण आपका जो लाल मिर्च की जो आपकी जो मिर्च की जो वो व्हाइट व्हाइट कलर के अंदर बीज होते हैं ना उनमें होता है ये आपका क्या बच्चा कैप्सियासिन जिसके कारण आपकी मिर्ची क्या होती है बेटा तीखी होती है अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार आयोडीन इज ऑप्टेन्ड बाई विच एलगी इनमें से किस एलगी के द्वारा हमें आयोडीन मिल सकती है इनमें से किस एलगी यानी शैवाल के जरिए आपको आयोडीन प्राप्त हो सकती है इनमें से किस एलगी यानी शैवाल के जरिए आपको आयोडीन प्राप्त हो सकती है कोशिश करो गैलेडियम नहीं बचा गैलेडियम नहीं होगा ये मैंने आपको बता दिया किस सहाल के जरिए आपको आयोडीन प्राप्त हो सकती है तो किस सहवाल के जरिए बेटा आपका लेमिनेरिया किसके जरिए बेटा आपका लैमिनेरिया के जरिए आपको क्या बच्चा यहाँ से आयोडीन प्राप्त हो सकती है निम्न में से कौन स्वापोसी यानी ऑटोट्रॉप्स इनमें से कौन है आपकी बटरफ्लाई फंजाई एलगी या स्पाइडर बहुत ही इजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है हाँ जी कैप्सियान के कारण आपकी तीखी होती है आपकी मिर्ची बहुत बढ़िया बेटा ग्रेट वेट लिखना बंद करो आप लोग ना ये लिखो ऑप्शंस के आंसर लिखो उससे ज्यादा फायदा होगा आपका मेरी तारीफ करने से या मेरी बुराई करने से कुछ नहीं होने वाला आंसर गलत करोगे कोई बात नहीं यार ठीक होने शुरू हो जाएंगे लेकिन जब आप आंसर ही नहीं करोगे तो उसका मेरे पास में फिर कोई इलाज नहीं होता वो चीज देखकर ना मैं भी खुद डिसअपॉइंट होती हूँ कि यार बच्चा आंसर क्यों नहीं कर रहा है निम्न में से कौन ओट्रोट्रोप्स यानी इनमें से स्वापोसी आपका कौन है तो बेटा स्वापोसी कौन होते हैं आपके एलगी देखो यदि आप लिविंग बींग्स को न्यूट्रिय टर्म्स में डिवाइड करोगे तो दो टाइप के होते हैं एक आपका होता है क्या हेट्रोट्रोपिक यानी कि पर और एक होते हैं हेड्रोट्रोप्स यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं

की। अब मैं आपसे पूछ रही हूं दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग हैं लेकिन बच्चे में होते है। बच्चे में होते है। from... किसकी बनी होती है बेटा cell बिल्कुल जी। ठीक है। भाई थोड़ी सी मैं तो स्पीड स्लो कर दूंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ना यार

टैको मोजेक वायरस ओके जी तो यानी ये क्या है बच्चा आपका ये एक वायरस है ठीक है टीएमवी बेसिकली एक डिजीज है जो कि वायरस से होती है और किसको अफेक्ट करती है आपके तंबाकू को अफेक्ट करती है किसको अफेक्ट करती है बच्चा ये आपके तंबाकू को अफेक्ट करती है कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है विच बैक्टीरिया इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इनमें से कौन सा आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है बताइए इनमें से कौन सा आपका नाइट्रोजन योगी की वैकेंसी कब आएगी बस यही आप लोग कमेंट यही आप लोग कमेंट यार मतलब कैसे टीचर कॉन्सेंट्रेट करे भैया क्लास में पढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट में आंसर से कहीं ज्यादा तो भैया अपनी बातें लिख रहे होते हो है ना थोड़ा सा सोच समझ के क्लास में बैठा करो यहाँ पर हर ऑनलाइन टीचर ये नहीं है कि सिर्फ कमेंट पढ़ने के लिए ही हम लोग बैठे हैं या फिर कमेंट पढ़कर हम आप लोगों को मौका देंगे कुछ जब मुझे जरूरत लगेगा क्लास इंटरेक्टिव बनानी है मोटिवेट करना है मैं खुद कर दूंगी आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को कैसे मुझे टैकल करना है लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना आंसर देने पर ज्यादा फोकस किया करो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से एट एंड लाइफ में एक ही चीज मैटर करेगी आप सक्सेसफुल हैं या नहीं आप सक्सेसफुल हैं तो बच्चा आपकी जो कमियां है ना वो भी लोगों को आपके गुण लगने शुरू हो जाएंगे और चाहे आप कितने भी गुणवान हैं लेकिन यदि आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपका कोई गुण लोगों को गुण नहीं लगेगा और आज की कीमत में आपको पता है कि आज के समय में सक्सेसफुल होना किसको बोलते हैं जिसके पास धन है ठीक है ना जिसके पास भैया धन है बिल्कुल बेटा आपका क्या राइजोबियम क्या बच्चा राइजोबियम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी वर्गीकरण के पिता कौन है वर्गीकरण के पिता कौन है कोई बात नहीं बच्चा लेकिन बस मैं आपको समझा रही हूँ जिंदगी की सच्चाई को समझकर आप लोग लाइफ में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी मिलेगी ही मिलेगी. ओके बिल्कुल फटाफट बताइए वर्गीकरण के पिता इनमें से कौन है हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी तो देखो बेटा कार्ल्स लीनियस ने किसने आपका कार्ल्स लीनियस साहब ने आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लेकिन यदि पूछा जाए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया तो आप लोग आंसर लगाओगे आर एच वही टेकर ने आर एच वही टेकर ने थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बोटनी यदि पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ बोटनी तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे हु इज द फादर ऑफ बोटनी तो आप लोग आंसर लगाओगे क्या थियोफ्रेस्टस हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी क्या, आंसर लगाओगे? अरस्तु लगाओगे. क्या लगाओगे बच्चा अरस्तु साहब लगाओगे फादर ऑफ जुलोजी फादर ऑफ बायोलॉजी सेम ही आंसर रहेगा आपका एरिस्टोटल यानी अरस्तु से Smallest ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा जीव इनमें से कौन सा है सबसे छोटा जीव इनमें से कौन सा है बताइए सबसे छोटा जीव तो याद करो साइटोलॉजी वाला चैप्टर मैंने आपको समझाया था कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है माइक्रो की होती है जिसको हम प्लांट और एनिमल किंगडम का जोकर भी बोलते हैं जिसको हम प्लांट और एनिमल किंगडम का क्या बच्चा जोकर भी बोलते हैं यानी माइकोप्लाज्म जो है उसकी सबसे छोटी कोशिका होती है तो सबसे छोटा जीव भी यही है आपका ठीक है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं आपको पता है कि पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है और जिस मिट्टी में आपकी नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है भैया फटाफट से एक बार फाइव के पार लेके जाओ यार शेयर करो एक बार जोरदार तरीके से क्लास को सारे बच्चे लाइक करेंगे फिर उसके बाद बेटा क्लास में देखो सिंपल सी बात है बहुत समय हो गया है भाई अब आप लोगों को थोड़ा जोश के साथ में क्लास को अटेंड करना होगा थोड़ा सा आप लोगों को एक पॉजिटिव ओपिनियन के साथ में क्लास को अटेंड करना होगा जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वहां कैसे आपके इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी पौधे पैदा होते हैं जो कीट को खाते हैं तो पौधे अपना नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं बच्चा नाइट्रेट की फॉर्म फॉर्म में में लेते हैं। में लेते हैं हैं किस आपका नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं विच प्लांट हॉर्मोन फाउंड इन गैसियस फॉर्म बताइए कौन सा पादप हॉर्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन सा पादप हॉर्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है बताओ जी कौन सा पादा फोरबोन गैसी अवस्था में पाया जाता है बहुत बढ़िया अरे वाह विशाल यार बहुत अच्छा बताया है एक बच्चे ने बहुत बच्चा देखो ऐसे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही चने की खेती खेती की जाती है यही तो होती है नॉलेज यही होती है भाई नॉलेज मतलब बच्चा पढ़ रहा है ना डिफरेंट चीजें बच्चा सीख रहा है ठीक है ऐसे बच्चों का कमेंट पढ़ के खुशी भी होती है और मन भी करता है कि बच्चा कुछ डिफरेंट लिख रहा है उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है वाला हॉर्मोन है और ये क्या करता है बच्चा आपका फलों को पकाने का काम करता है फलों को नेचुरल रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से फलों को प्राकृतिक रूप से आपका कौन पचा कौन पकाता है बेटा एथिलीन पकाता है यदि पूछा जाए कि बिना एथिलीन के

वनस्पति द बोटेनिक नेम ऑफ टी इज द बोटेनिक नेम ऑफ टी इज किसी को याद है बिल्कुल तो बोटेनिक नेम ऑफ टी इज वॉट कैमिलियन साइनसिस क्या बच्चा आपका कैमिलियन साइनसिस आपका क्या होता है बच्चा बोटेनिक नेम ऑफ टी होता है चाय का वनस्पति नाम नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन बताइए बिना निशेषन के फलों के विकास की तकनीक को क्या कहा जाता है बिना निशेषन के फलों के विकास की तकनीक को क्या कहा जाता है और ऐसे क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट होते हैं ये आप लोग याद रखेंगे ये आप लोग याद रखेंगे बिना निशेषण के फलों के विकास की तकनीक को क्या कहा जाता है हाँ जी कैमिलिया है हाँ बेटा तो भैया वही बोला है हमने भी चलो भैया क्या बच्चा आपका बिना निशेचन के फलों के विकास की तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं आपका पार्थिनो कार्पी क्या है. कुछ आपको करनी होंगी समय हो सकता है पेड़ में में से किस मिनरल्स की या किस न्यूट्रिय की कमी के कारण आपके जो पत्तियां होती है वो समय से पहले ही गिरना शुरू कर देती है जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो समय से पहले ही गिरना शुरू कर देती है क्या बच्चा आपका फॉस्फोरस क्या बच्चा आपका फॉस्फोरस की कमी के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां गिरना शुरू कर देती हैं गेहूं का काला किट्टू रोग किसके कारण होता है ब्लैक किट्टा डिजीज ऑफ वीट ब्लैक किट्टा डिजीज ऑफ बताइए ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गेहूं की जो जड़ें होती हैं वो आपकी ब्लैक होनी शुरू हो जाती है गेहूं की जड़ें आपकी ब्लैक होने शुरू हो जाती हैं एक फंगल डिजीज है बैक्टीरिया वायरस या फिर बेटा आपकी ये एक्टोनो माइसिटिस डिजीज है कोई <coughs> बताइए जी बहुत बढ़िया भाई ब्लैक किट्टा डिजीज ऑफ वीट इज ड्यू टू हूम गेहूं का काला किट्टू रोग किसके कारण होता है किसके कारण होता है बेटा आपका ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है ये एक फफूंदी यानी फंगस से होने वाली बीमारी है और एक बात है जितना बच्चा कमेंट करना है ना वो अधिकतर कर ठीक आंसर के रहा है मतलब आप लोग पढ़ना शुरू कर दिया आपने फाइनली खैरा डिजीज इन पैडी वी इज द लैक ऑफ व्हाट इज द लैक ऑफ धान में खैरा रोग किसके कारण होता है धान में खैरा रोग किसके कारण होता है बताइए धान में जो आपका खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है यार देखो संख्या घटनी नहीं चाहिए भाई क्लास जब आपकी एंड होने की कगार पे होती है तो संख्या जो होती है वो बढ़ती है आप लोग ज़्यादा ज़्यादा बच्चे आते हैं, शेयर करते हैं लाइक करते हैं आंसर का रेट किसी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए गलत करो कोई बात नहीं ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पहले आंसर गलत करते थे धीरे 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 उनके आंसर ठीक होने शुरू हो गए बिल्कुल इन द इन दॉयल जंक यानी कि यदि मिट्टी में जिंक की अमाउंट ज्यादा है तो क्या धान के अंदर आपका खैरा रोग हो सकता है ठीक है धान के अंदर आपका खैरा रोग हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार ठीक है भाई क्वेश्चन इतने ही थे आज की आपकी क्लास में अब एक बार लास्ट में आप लोग देखेंगे बच्चा बैच में कैसे एनरोलमेंट कराना है आप लोगों को सिंपल अपनी वेबसाइट को विजिट करना है भैया हमारी नहीं है आपकी वेबसाइट है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन आप लोग को कहां जाना है ऑल कोर्स पर जाएंगे रेलवे पर जाएंगे तो ये है बच्चा आपका रेलवे एएलपी का बैच जो आपका कब से बेटा सत्ताइस दिसंबर से नया बैच आपका आ चुका है सत्ताईस दिसंबर से ये बैच आपका शुरू

क्लियर जी बात समझ में आई चार सौ अट्ठानवे एग्जाम पैटर्न आपका बदल जाए हम श्योर नहीं है लेकिन हो तो सकता है ना तो बेटा ये है रेलवे का महापैक जो अगले एक साल तक रेलवे की जितनी वैकेंसी निकलेंगी ना जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी इन सब की तैयारी कराएगा कूपन कोड है वाई चार सौ छियालीस ग्यारह सो तीन रुपए में सारी टेस्ट सीरीज सारी ई बुक्स इसमें आपको फ्री में मिलेंगी तो बताना जरा फायदा किसमें रहेगा बताओ जरा एमपी पुलिस का बैच बेटा आपका एमपी महापैक एमपी महापैक परचेज कर लीजिए उसमें एमपी पुलिस आपका कवर है देखो जब भी कभी कोई भी बैच लेने से ज्यादा बेटर ऑप्शन है महापैक लो क्योंकि जो बच्चा एएलपी का है वो टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरेगा वो टीटीई का भी फॉर्म भरेगा एक वैकेंसी पर डिपेंड मत रहो बहुत सारे जब आपकी वैकेंसी निकले हमेशा ज्यादा वैकेंसी की तैयारी करो एक होता है ना कि यार चलो कोई ना कोई तो निकलेगा ही और मैं बोल रही हूं आपको ये सोचना ही नहीं है कि कोई ना कोई तो निकलेगा मैं बोल रही हूँ आपसे आपके बहुत सारे एग्जाम निकलेंगे तो मात्र ग्यारह सौ रुपए में बच्चा ग्यारह सौ रुपए में ये रेलवे का महापैक आपको मिल जाएगा जिससे

पांच किताबें हैं जो आपके घर पर पहुंचा दी जाएंगी बाई नाव पर क्लिक करोगे और आप लोग कूपन कोड लगाओगे किताबों के लिए वाई चार सौ छियालीस एस अप्लाई करो बारह सौ चवालीस रुपए में ये किताबें तुम्हारे घर पर पहुंचा दी जाएंगी फिर लास्ट में सजेस्ट करती हूँ ए का नया बैच बेटा आपका आ रहा है लेकिन उससे ज्यादा बेटर है ये रेलवे का महापैक लेना ठीक है सेपरेट लेना है ले सकते हो लेकिन वो 27 दिसंबर वाला बैच इसमें ऑटोमेटिकली आपको लाइव मिलेगा तो आप लोग कूपन कोड लगाएंगे वाई और रेलवे के महापैक में आप लोग खुद को एनरोल करा लेंगे तो बता देती हूँ बेटा मैं आपको देखो वाई कोड है रेलवे के महापैक के लिए ठीक है साथ ही साथ ए का नया बैच भी आपका आ रहा है सत्ताईस दिसंबर से ओके तो जो भी आपको बेटर लगे आप परचेज कर सकते हैं मैं उम्मीद करती हूँ एम पटवारी के लिए एमपी का महापैक आप लोग लीजिए ठीक है एमपी का महापैक आप लोग ले सकते हैं दो तीन बच्चे हैं बच्चा वो पूछ रहे हैं एक बार जरा मैं उनको कंफर्म कर देती हूँ देखो कुछ नहीं है ऑल कोर्स पे पे जाना पे जाना एसएससी आप लोग एमपीपी यहाँ पर देखोगे तो ये रहा पटवारी के लिए नर्मदा बैच है वन रक्षक जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक के लिए ये वाला बैच है आपका ये आपको 730 730 में मिलेंगे लेकिन एमपी पुलिस पटवारी इन सब की तैयारी कराता है ये आप लोगों को एमपी का महापैक नर्मदा या कोई भी बैच आप एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अप्लाई करोगे बाईस में आपको मिल जाएगा एक साल के लिए सेपरेट बैच सात सौ तीस रूपए का मिलेगा ओके चलो भाई अब आपसे बेटा हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी आप लोग फटाफट से बैच में एनरोलमेंट करा लीजिए थ्योरी वहां कवर करेंगे एमसीक्यू यहाँ कवर करेंगे बाय बाय टेक केयर जय हिंद